बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपसे आज कुछ बात करनी है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो दुआ जहरा भी पंजाब से उसको लेके चल पड़े हैं और कल उसका बोर्ड बिठे जो है उसके सामने पेश होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बोर्ड ये बैठा है और जो के उसके वालदेन के जो पेपर्स हैं उनके भी चेक करेगा, बच्ची से का भी एग्जामिनेशन होगा। और बस ये है कि हमें ये देखना है कि किस करवट ये ऊंट बैठेगा, क्योंकि जब वालदेन के पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसूलन तो मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। और हमने अपने इदारे जो है ना, अगर ये बातें सियासतदान करते कि नहीं जी नादरा के पेपर्स की कोई अहमियत नहीं, ये नहीं, ये सिस्टम कराओ, तो सियासतदानों पे तो अब तक इल्ज़ाम लग चुका होता कि ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को मलाइन कर रहे हैं। जब नादरा के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जब यूनियन काउंसिल की चीज़ें मौजूद हैं, जब पासपोर्ट मौजूद है, तो जब निका नामा मौजूद है, जब बेफॉर्म मौजूद है, बहरहाल जितने भी हो सकते हैं, तो सियासतदान अगर किसी ये करते तो फिर बड़ा ही शोर मच जाता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि मामलात जो हैं वो बहुत ही गंभीर हो चुके हैं और जब मैंने देखा कि बहुत हसास नौयत के हो गए और अब हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ेगा, और तो मेरे अल्ताफ कोसो जो हैं, जो मेरे लॉयर हैं, हमारे साथ जो एनजीओ काम करती है प्लस उसके जो लॉयर हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। तो फिर मैंने बात की जिब्रान नासिर साहब से जिस दिन हम आज चैनल पे थे, सुबह में हमने सिद्रा का प्रोग्राम किया था उसके बाद, और फिर उनके वालदेन का टाइम करवा के फिर हमारा एक तरीक़ाकार होता है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन कराई कि जी हम आपको जो है वहाँ भेज रहे हैं, और फिर उनको वहाँ भेजा और अल्लाह का शुक्र है कि अब आगे बढ़ा और आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपको डिसाइड करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बहुत जज्बात से इसको लड़ा है और मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना। और मैंने ये पहले दिन कहा था कि एक मिनिस्टर जो होती है वो माँ भी होती है, और मैं पूरे अपने सूबे के जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के भी जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हो सकते हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के हो सकते हैं, तो ये वो मेरे बच्चे हैं और मुझे उनकी इसी तरह फिक्र करनी है जैसे वालदैन ने करनी है। ठीक है मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास उनकी हिफाजत का ज़िम्मा है, हमें ऐसे कानून देखने हैं, हमें ऐसे काम करने हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रह सकें। तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने बहुत जज्बाती होकर ये बात की है। मैं नहीं समझती कि मैंने जज्बाती होकर बात की है, मैं ये समझती हूँ कि आज माशरे में जो है मैंने जो आवाज़ उठाई, मैंने जो तरीक़ा अपनाया, आज माशरे में ये शऊर है कि लोग दुआ जहरा के वालदेन के साथ खड़े हैं और इस तरीक़े को गलत समझ रहे हैं के बच्चे बच्चियां इस तरह से कदम उठा लें और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाएं कि सही है, ये गलत तरीक़ा है, हमें अपनी सोसाइटी की बुनियादें नहीं हिलानी है, हमें अपनी सोसाइटी को मजबूत तरीके से आगे लेके चलना है। हमें क्या पता कि हमारी बच्चियों ने जिनके साथ फैसला किया है कल वो किस तरह के लोग साबित हों, किस जगह पे हमारी बच्चियों के साथ सलूक करें, कहाँ आगे कुछ उनके साथ करते खिला सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम मज़हब की बात करते हैं और मज़हब के दायरे में भी चलते हैं तो उसमें भी शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं कि वो खिलाना और रिहाइश और ये सब, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन को वो नहीं करती हूँ कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, लेकिन बहरहाल अब तो ये बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि 18 साल से छोटी उम्र की बच्चियों की वली के बगैर शादी नहीं हो सकती, और फिर शादी जो है वो उसमें पर्सनल लॉ को भी देखा जाता है, जो कि आपने देखा कि वक्तन फवक्तन जिब्रान जो हैं वो इस पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं।
तो अल्लाह जो है वो बेहतर जानने वाला है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जिस ताकत से जो है हम दूसरी दफ़ा बच्ची को लेकर आ रहे हैं, वही ताकत गैब से हमारी मदद करेगी, और हम यकीनन ये साबित करने में कामयाब होंगे कि बहरहाल ये तरीका गलत है। और मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैंने बहुत होश से इस केस को उठाया है। अभी उम्मे हानी जो है वो 2010 की पैदाइश है, और एक महीना 8 दिन के बाद वो बाजियाब हुई है, और कल तक उसके पेपर्स हमें सारे मिल जाएंगे। हैदराबाद की बच्ची है, और हैदराबाद में हमने इस केस को देखना है। सेकेंडली एक और वाक़या भी हमारे सामने आया है, और वो एक लड़की का रेप हुआ है, तो वो भी हमने अभी मैंने उस लड़की का नंबर वंबर लेकर उसको फ़ोन मैसेज कर दिया था, क्योंकि नंबर एंगेज जा रहा था। तो हम देख रहे होते हैं, और हमें देखना होता है कि गलतियाँ तो इंसान ही करता है। अगर किसी से गलती हो गई है, तो गलती का मतलब ये नहीं है कि फिर उसको कुएं में धक्का दे दिया जाए। हमारा काम है कि हम गलती से, अगर कोई कीचड़ में गिर पड़ता है या गड़े में गिर पड़ता है, तो हम उसको हाथ पकड़ के निकालते हैं या ये देख के कह देते हैं क्योंकि तुम देख के नहीं चले थे तो अब तुम इसके अंदर ही डूब जाओ। इस तरह नहीं होता है, और वो इंसान ही क्या जिसके जज्बात ना हो। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैंने तर्जुमानी की, मुझे इससे ज़्यादा आगे करना चाहिए था, कुछ और कर सकती तो वो करना चाहिए था। और मैं बाज़ार गई जब, तो मार्केट में मैं अक्सर चली जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें भी चाहे दिल चाहता है कि कभी अपनी पसंद से भी कपड़े पहन लें। जैसे तो मेरी बहनें और भाभी वगैरह ले आती हैं, और मैं जो कभी किसी के पसंद के नहीं कपड़े पहनती थी, अब बहुत सारी दफ़ा दूसरों के लाए हुए भी पहन लेती हूँ। तो बहरहाल मैं जब बाज़ार गई, तो जितने भी लोगों ने मेरे सामने से गुजरे, कोई पलट के आया, कोई सामने से शुरू हो गया, और हर एक ने मुझसे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद की, जिस तरह से उसके वालिदैन के साथ खड़ी हुई, जिस तरह से आपने ये कहा कि मैं इतनी बड़ी होकर अकेली नहीं जा सकती, टैक्सी बुक करके बच्ची कैसे चली गई, जिस तरह से आपने बातें की वो बहुत दिल को छूने वाली थी। तो मेरा भी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि हर आदमी कहीं ना कहीं असर रखता है, बात करता है, उसकी बात सुनी जाती है, लोग उसको सुनते हैं। अब खुदा के लिए अपने हमारी सोसाइटी को बचाएं। हमारी सोसाइटी की खूबसूरती यही है कि हमारे हमें मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के मसाइल हल करने, और हमारी सोसाइटी की भी कुछ कदरें हैं, ये मरने नहीं चाहिए। और अल्लाह करे कि हम इस काबिल हों कि हम एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे के साथ चलें। तो जनाब कल देखते हैं क्या मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है, और नादरा और पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेन ऑफिस है या ये सब है, ये झूठे ठहरते हैं, क्या होता है फिर इनकी, क्या इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी अगर ये हो गया कि हमारे पासपोर्ट पे हमारी चीज़ें गलत होंगी, अगर ये ऐसा बात हुई कि नादरा पे गलत होगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए क्या होता है, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह ताला वालदेन को जो है अपनी औलाद से मिलाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।